Hello students, how are you? I hope you are doing well and enjoying your studies. My name is Enjo, your backup teacher, and you are watching my channel Organjo Chem. Let's start our interaction. Hello students, today we are going to discuss one of the very important name reaction of phenol, that is Kolbe-Schmidt reaction. इसे हम कोल्बे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं. इस रिएक्शन में फिनोल की सबसे पहले रिएक्शन CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम होती है और बनने वाले प्रोडक्ट का जब एसिडिक वर्कअप किया जाता है तो फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट हो जाता है और इसमें ऑर्थो आइसोमर पैरा से ज्यादा बनता है क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑर्थो आइसोमर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. इसलिए इस रिएक्शन में ऑर्थो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनता है. अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं. इस रिएक्शन में फिनोल की सबसे पहले NOH के साथ रिएक्शन होती है. ये एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और फिनोल का एसिडिक एच OH एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और वाटर बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे फिनोल जो होता है वो फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस फिनोक्साइड आयन में O नेगेटिव की प्रेजेंस के कारण इसका स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट होता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है. रिएक्शन के अगले स्टेप में ये CO2 यानी ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करता है और CO2 इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ऑर्थो अटैक होने के बाद इस साइक्लोहेक्सा डाइईन ऑन की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप जनरेट हो जाता है. अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी होती है. रिएक्शन के अगले स्टेप में ये कीटो फॉर्म एच की हेल्प से टोटोमराइज हो जाती है और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. इससे इस रिंग की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाती है और फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप जनरेट हो जाता है. रिएक्शन के आखिरी स्टेप में जब इसका एसिडिक वर्कअप किया जाता है तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है और इससे फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट हो जाता है. इसे हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं और ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है. और अब इस रिएक्शन में बेस के इम्पैक्ट को कंसिडर करते हैं. अगर फिनोल की रिएक्शन NOH और ड्राई आइस के साथ की जाए तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट होता है, यानी इस रिएक्शन में ऑर्थो आइसोमर पैरा से ज्यादा बनता है. बट जैसे ही रिएक्शन KOH और ड्राई आइस के साथ की जाती है तो इसमें पैरा प्रोडक्ट ऑर्थो से ज्यादा बनता है. तो बेसिकली बेस चेंज करने पर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए इसकी हम चिलेशन की स्ट्रक्चर देखते हैं जो ट्रांजिशन स्टेट में सोडियम के द्वारा फॉर्मेड होती है. सोडियम का साइज छोटा होने के कारण ये इस 6 मेंबर चिलेटिंग रिंग में इजीली अकोमोडेट हो जाता है और इजीली अकोमोडेट होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि सोडियम का साइज इसमें स्मॉलर होता है. यानी सोडियम का साइज स्मॉल होने के कारण इस चिलेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है और ऑर्थो आइसोमर पैरा से ज्यादा बनता है. बट अगर NOH की जगह पर KOH यूज करते हैं तो जो पोटेशियम का साइज होगा कंपैरेटिवली सोडियम से बड़ा होगा. अब साइज बड़ा होने के कारण पोटेशियम ऑर्थो कंडीशन में ऑर्थोचिलेट की स्टेबिलिटी को घटा देता है, यानी इसका ऑर्थोचिलेट जो होगा साइज बड़ा होने के कारण लेस इफेक्टिव होगा. इसलिए इस रिएक्शन में पैरा अटैक मेजर होता है और पैरा अटैक होने के कारण ही पैरा आइसोमर ऑर्थो से ज्यादा बनता है. चिलेशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है. तो अगर इस रिएक्शन में NOH और CO2 ही यूज करें और जो रिएक्शन का टेम्परेचर है उसका क्या इंपैक्ट आता है उसको हम कंसिडर करते हैं. अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 120 डिग्री
के आसपास होता है तो ऑर्थो आइसोमर ज्यादा बनता है, जबकि 230 पर पैरा आइसोमर ज्यादा बनता है। इस एग्जाम्पल में जब एनएच और ड्राई एस की रिएक्शन 120 पे की जाएगी तो फिनोल से ऑर्थो पोजीशन पर सीओएच जनरेट होगा और ये ऑर्थो आइसोमर मेजर बनेगा। जब इसी रिएक्शन को 230 डिग्री पे की जाएगी तो फिनोल की पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरेट होगा और पैरा आइसोमर इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेट्स स्टार्ट योर क्यूज टाइम। इस सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन विद की मेंशन है। आपको करना क्या है, इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करना है और आंसर को मैच करना है। इसके लिए यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन स्लो डाउन द वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस। इस वक्त आपके डिवाइस की स्क्रीन पर टोटल 4 क्वेश्चंस मेंशन है जिनको आपको सोल्व करना है। दीज आर द आंसर्स। इस वक्त आपके डिवाइस की स्क्रीन पर इन सभी 4 क्वेश्चन का आंसर मेंशन है। आई होप आपके सभी क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके गाइस, लेट्स पॉज अवर इंटरेक्शन एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।